रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। दे दिया पुलवामा का जवाब, आज तक नहीं दिया। एक कोई नाचने गाने वाला मर गया, उसका सीबीआई जांच, ईडी जांच, पता नहीं कौन कौन सी जांच चल रही है उसकी। पुलवामा की जांच करवा दो ना, नहीं करवाए ना। श्रीलंका छोटा सा देश जिसके अंदर छोटा बम ब्लास्ट हुआ था, जेएंडके से पकड़ कर ले गए थे लोगों को, जेएंडके तक उसके तार ढूंढ दिए थे उन्होंने। अगले ही दिन एक हफ्ते के अंदर अंदर जेएंडके से जो उधर के मुजरिम थे ना, उनको पकड़ के ले गए थे और देना पड़ा था इंडिया को। और पुलवामा की जांच आज तक नहीं, 2-2.5 साल हो गए उसकी जांच की, आज तक नहीं की कोई भी जांच, और ना ही जांच होगी। कितना ही चिल्ला लेना, कोई जांच नहीं होगी इसकी। झूठ नंबर दो, पहला झूठ गलवान घाटी पुलवामा का हमले का था, गलवान घाटी का झूठ था। तीसरा झूठ जो है 1983 पीटीआई टीचर निकाले थे, इनको नहीं लिया। अभी 6,000 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे, 6,000, ध्यान से सुन लेना, 6,000 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे, जिनको की नोटिस दे दिया गया है। 6,000 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे हरियाणा के अंदर से। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, ना ही कोई आवाज उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? नंबर सब का आएगा, बहुत पहले बताई थी मैंने, नंबर सब का आएगा। 1983 पीटीआई टीचर आज तक रोड के ऊपर बैठे हैं, अब इनके साथ 6,000 जेबीटी टीचर बैठ जाए।